तो क्या ध्रुव राठी ने यार भाई फिर से रोस्ट कर दिया एल्विश यादव को। एंड अगर आपको भाई याद होगा एल्विश यादव सबसे पहले भाई रोस्ट करते हैं ध्रुव राठी को, फिर उसके बाद भाई उनका रिप्लाई देते हुए ध्रुव राठी एक वीडियो को अपलोड करते हैं। एंड आज भाई उसी वीडियो का सेकंड पार्ट को अपलोड करे ध्रुव राठी। एंड बाकी उसमें यार भाई वो बात करते हैं जो कि ध्रुव राठी यार भाई उनके ऊपर यार भाई कुछ नेगेटिव प्यार को चलवाते हैं। एंड बाकी भाई उनको काफ़ी गंदा यार भाई वो रोस्ट कर देते हैं। एंड क्या कुछ कहे ध्रुव राठी उनको भाई ट्रोल करते हुए एंड बाकी रोस्ट करते हुए आप लोग भाई देखो। दोस्तों हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गाँव है राखीगढ़ी, यहाँ एक्सकेवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? मेरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे, ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसे एक इंसान पर वीडियो बनाकर। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है, हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश यादव की पर्सनैलिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, और इसे एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एल्विश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है, कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता धैया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है, और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू ही देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है, 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 है, 10-11 है मैं कहूंगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं? क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव, तो ये 3+1=4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1-2-3-4 तक की काउंटिंग करना सीख ले, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है 1-2-3-4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताए वो भी गलत है। अच्छा आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए, और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज़ है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा, ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को-फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक
एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ऐड क्यों करी आपने। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मुझे लगा कि यहां पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। एंड बाकी ध्रुव राठी के रोस्ट पर आप सबकी भाई क्या राय है मेरे घर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड बाकी मिलते हैं आपसे भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत ही भूलना।